हेलो दोस्तों, एनटीपीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम की न्यूज़ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूज़ पब्लिश हुई है बता देता हूँ। लिखा हुआ है, डाउनलोड आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 खत्म होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा का इंतजार। आप देख सकते हैं 25 तारीख आज की न्यूज है, 11:11 पर पब्लिश हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 डाउनलोड। रेलवे भर्ती परीक्षा जल्द ही एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के एडमिट कार्ड इस सप्ताह जारी कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर खास तौर पर बात करने की यही है, गौर करने की बात कि इस सप्ताह तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, नोटिफिकेशन जो एडमिट कार्ड से संबंधित होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा जून से सितंबर के मुताबिक आयोजित की जानी थी, लेकिन अब लगता है कि एग्जाम जुलाई से आयोजित होंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही सीबीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा होनी है उनके ठीक 4 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की सभी रीजनल वेबसाइट पर एनटीपीसी सीबीटी फेस्ट का एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार अपने रीजनल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अपने रीजनल की आरआरबी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर एनटीपीसी एडमिट कार्ड का लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जन्मतिथि भर दीजिए, एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उसे आप प्रिंट आउट कर लीजिए। यहाँ पर नीचे जो पैटर्न बताया गया है, सीबीटी फेस्ट में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 के सवाल और मैथ्स के 30 के सवाल, टोटल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। 40 तो जीके के क्वेश्चन रहेंगे, 30 रीजनिंग के, 30 मैथ्स के, और टाइमिंग जो रहेगा 90 मिनट का रहेगा। पीडब्ल्यू उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट का टाइम रहेगा। तो दोस्तों, ये थी लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम की न्यूज़। जैसे ही ऑफिशियली अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।